केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई आसमान पर है, गरीब हताश व निराश है और देश का युवा अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। यह बात मनाली ब्लॉक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हीरालाल बिभू ने मनाली में आयोजित यूथ कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। मनाली के परिधिगृह में मनाली ब्लॉक यूथ कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मनाली ब्लॉक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हीरालाल बिभू ने की। बैठक के उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए हीरालाल ने कहा कि यूथ कांग्रेस बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती में जुट गई है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस मनाली ने बूथ स्तर पर पकड़ बनानी शुरू कर दी है, जिसके तहत सभी बूथों में यूथ कमेटियां गठित कर रहा है। बिभू ने कहा कि प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह के निर्देश पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज मनाली शहरी युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूती करने की ओर कदम बढ़ाया गया। हीरालाल ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई आसमान पर है, गरीब हताश व निराश है और देश का युवा अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। बिभू ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में केंद्र सरकार के प्रति गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस विधानसभा चुनावों की तैयारियों में छूट गया है। आज मनाली युवा कांग्रेस ने जो है शहरी युवा कांग्रेस को लेकर बैठक की। इसमें हमारे जो 7 वार्ड आते हैं यहाँ पर, हमने उन 7 वार्डों में अपने युवा कांग्रेस के जो कार्यकारिणी का विस्तार किया है, उसमें हर वार्ड में हमने अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो पद पर कुछ लोग नियुक्त किए हैं। उसके बाद हम लोग जो अब इन 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 लोगों को जो है निर्देश दिए हैं कि आगे की जो कार्यकारिणी है ये लोग जो है उसकी रूपरेखा तैयार करें और लोगों को आपस में जुड़ें। ये सारे आदेश हमको जो है प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह जी के आदेश पर आए हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को विधिवत सबको पता ही है कि विधानसभा चुनाव सर पे हैं और चुनावों को देखकर जो है युवा कांग्रेस ने अपनी जो है कमर कस ली है। हम हर बूथ पे जाकर जो युवा कांग्रेस काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा नए से नए युवाओं को सबको जो है पुराने और नए सबको साथ लेकर जो है चलेगी। मनाली शहर की युवा कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें इन्होंने तमाम 1 से 7 वार्डों की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। ये बैठक आज मनाली में हुई। इसी तरह की बैठकों का आयोजन हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में भी करने वाले हैं। आज जो युवा है, आज जो इस देश के आम नागरिक हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग आ चुके। इन्होंने जो वायदे देश की जनता से किए थे, आप सभी को याद होगा जब जनरल इलेक्शंस पीछे हुए कि हर खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार हर साल दिया जाएगा, महंगाई घटाई जाएगी, जो करप्शन है उसको ख़त्म किया जाएगा। पर ये सरकार हर स्टेज पे नाकाम रही। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस मनाली के अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़, पूर्व जिला परिषद सदस्य हरिचंद शर्मा, यूथ महासचिव ऋषि किशोर, यशवंत सनी राजा, आशीष ठाकुर, मोहित व सूरज ठाकुर ने भी अपने विचार रखे। बैठक में सैकड़ों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।